हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीक वीडियो नहीं आया था क्योंकि मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैं अभी अपने मायके आई हुई हूँ और फेस्टिवल किस तरीके से मैंने सेलिब्रेट किया, कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। मेरा अपना ही शहर जहाँ पर मुझे हर एक चीज़ अपनी सी लगती है, यहाँ की सड़कें हो, यहाँ के लोग हो, यहाँ की भाषा हो, चाहे कुछ भी हो। जब मैं यहाँ पर आई 5 साल बाद, जब मैं स्टेशन में आई, तो सबसे पहले तो मैंने अपने पापा को बहुत मिस किया क्योंकि मैं जब भी आती थी तो मेरे पापा मुझे स्टेशन पर लेने आया करते थे और मैं ट्रेन की खिड़की से हमेशा देखा करती थी कि पापा का बस चेहरा दिख जाए और जैसे ही दिखता था तो मैं बहुत खुश हो जाती थी क्योंकि जब साल में एक बार अपने मायके आओ और अपने पेरेंट्स को देखो तो बहुत अच्छा लगता है। इस साल वो मुझे बहुत ज़्यादा मिस हुआ क्योंकि पापा नहीं थे साथ में और मेरा भाई आया था लेने के लिए। मौसम की बात करें तो अभी बारिश का मौसम, जैसे कि आप जानते हैं, चल रहा है, तो बहुत ही सुहाना मौसम है यहाँ का। और बहुत 5 साल पहले, मतलब कोविड के भी पहले, मैं जब यहाँ पर आई हुई थी और कोविड के टाइम पे फंस गई थी यहाँ पर काफ़ी लंबे समय के लिए, तब बाय रोड मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए थे और यहाँ पर मैंने इसका एक वीडियो भी शेयर किया था आप लोगों से। तो ये वही जगह है दोस्तों जहाँ पर लास्ट टाइम मैं अपने पापा से मिली थी। यहाँ पर ही मैंने पापा को अपने बाय बोला था, तब बिल्कुल नहीं पता था कि अब जब आऊँगी तब वो यहाँ पर नहीं होंगे। अच्छा, जब हम अपने घर में होते हैं, मतलब अपने ससुराल में जब होते हैं, तो कभी भी कोई त्यौहार आता है तो हमारे ऊपर ऐसा होता है काम का लोड ज़्यादा हो गया क्योंकि बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। तैयारियां करनी होती है, बच्चों को देखना होता है, नाश्ते बनाने होते हैं, खाने का सोचना होता है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन वहीं जब इस त्यौहार में मैं अपने मायके में हूँ तो मैं एकदम बिल्कुल फ्री हूँ। मेरी मम्मी मेरी पसंद का हर रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा खाना बना रही है। अभी त्यौहार है तो बोल रही है मैं मिठाइयाँ बना देती हूँ, मैं ये बना देती हूँ, मैं वो बना देती हूँ। तो थोड़ा सा, मतलब इन सब चीज़ों की जो वैल्यू थी ना दोस्तों, मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं थी जब तक मैं यहाँ पर रहती थी, क्योंकि तब तो लगता था कि मम्मी है, बनाती है, सबकी मम्मियाँ बनाती हैं। लेकिन अब जब मैं खुद माँ बनी हूँ और मुझे पता है कि किस तरीके से बच्चे को रखना है, घर संभालना है, तब मुझे उनकी हर एक छोटी छोटी चीज़ की जो होती है कि वो वैल्यू होती है, कि वो जितनी चीज़ें करती है सुबह से उठ के। चलिए उस टॉपिक को अभी नहीं करते ज़्यादा बात, आप लोग समझ सकते हैं, जो भी लड़कियां मेरे जैसे फीलिंग इस तरीके की जिनको होगी वो समझ सकती है कि ये फीलिंग ऐसी होती है जो इमोशनल कर ही देती है। अच्छा, यहाँ पर अभी शाम के समय ऐसा होता है कि कई बार मेरा भाई जब काम से वापस आ जाता है तो हम लोगों को थोड़ा सा भ्रमण करने ले जाता है, मतलब बाहर घूमने ले जाता है, तो सारी जगह देख करके पुरानी पुरानी मेमोरीज रिकॉल होती है। जैसे कुछ जगह ऐसी है जो बिल्कुल बदल चुकी है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जो आज भी वही है, कुछ शॉप्स के नाम भी जो आज भी वही है जो सालों पहले हुआ करते थे जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ा करती थी, तो वो सब देख के बहुत अच्छा लगता है। और हम अपने सब भी शहर में आते हैं तो हमें यहाँ के पार्लर, ब्यूटी पार्लर्स का बहुत पता होता है कि हमें ये पार्लर में हेयर कट कराना है या फिर फेशियल कराना है। तो मैं आने के बाद मैंने सबसे पहले पार्लर में अपॉइंटमेंट ली और मैंने एक अच्छा सा हेयर कट लिया क्योंकि एक फ्रेश लुक बहुत ज़रूरी है। और इसका एक शॉट भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया था, आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि जब आप अपना लुक थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ना तो काफ़ी फ्रेश फील होने लगता है। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं जाने के बाद एक तो अच्छा सा क्लीनअप कराऊंगी और एक अच्छा सा हेयर कट लूँगी, उसके बाद जो है मैं जितने भी दिन यहाँ पर हूँ मैं अच्छे से इन्जॉय करूँगी। अब बारी आती है शॉपिंग की, तो शॉपिंग तो आप समझ लीजिए यहाँ पे एक एक शॉप पता है कि कहाँ पे होलसेल में मिलेगा, कहाँ पे अच्छा मिलेगा, कहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं जो है मेरी पसंद की मुझे मिल सकती है। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं यहीं से लेकर जाया करती थी साल में एक बार और पूरे साल भर के लिए मुझे काम में आती थी, लेकिन जब 5 साल मैं यहाँ नहीं आई तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई है। तो अब उन सब चीज़ों को इस बार फिर से जीने का मुझे टाइम मिला है। तो मैंने सोच रहे ना ये सब बातें सुन के कि मैं कौन सी सिटी से हूँ, तो मैं हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ का एक प्यारा सा सिटी है रायपुर, काफ़ी बड़ा सिटी है और यहाँ के जो भी लोग हैं वो सारे मेरे अपने लगते हैं मुझे, तो उन्हीं के बारे में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर अभी छठ पूजा, आज के दिन छठ पूजा का बहुत महत्व होता है, तो वो पूजा भी हुई है जो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए यहाँ पर ये छठ पूजा हुई है। Thank you.
जिन जगहों को मैं कभी नोटिस भी नहीं किया करती थी उन जगहों को आजकल बहुत ध्यान से देखती हूँ, कुछ लिखा हुआ रहता है तो पढ़ती रहती हूँ और ऐसा इतना अच्छा लग रहा है मुझे। मैं बहुत बदल गई हूँ दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इन कुछ सालों में अब मैं वैसी रही नहीं जैसी मैं एक टाइम पर हुआ करती थी। और कहते हैं ना समय के साथ इंसान बदलता है, तो मैं बहुत चेंज हो चुकी हूँ। लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस दिए हैं अच्छे बुरे, इनकी वजह से मेरे में बहुत ज़्यादा चेंजेस। कल हम लोग एक ज्वेलरी शॉप गए थे, मेरी मम्मी को कुछ खरीदना था वहाँ से, कुछ एक्सचेंज करके कुछ लेना था। तो वो कौन सी शॉप थी आप लोगों को पता है? बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता है कि मैंने अपनी जो जॉब करने की शुरुआत थी वो बहुत ही कम एज से करी थी। मतलब जैसे ही मेरा 12th ख़त्म हुआ उसके बाद से कॉलेज मेरा स्टार्ट हुआ, तो मैंने पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। कल जब मैं वहाँ गई तो मैं सब चीज़ें देखकर ऐसा सोच रही थी, एक टाइम था मैं यहीं पर जॉब किया करती थी, आज मैं पहले काउंटर के उस तरफ रहकर जॉब किया करती थी, आज काउंटर के इस तरफ से शॉपिंग कर रही हूँ। और वहाँ पे जो मेरे बॉस हुआ करते थे, हम उनको अंकल बोलते थे, वो अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनका बेटा है। वो बहुत छोटा था उस टाइम पे, वो स्कूल में पढ़ता था उस टाइम पे जब मैं जॉब करती थी। तो कल वो देखा इतने सालों बाद मुझे और फिर भी मुझे पहचान गया, बहुत अच्छे से मिला, तो इतना अच्छा लगा। तो यहाँ पे कहीं भी जाओ तो बहुत अपनापन लगता है लोगों को देख के, लोगों का चेहरा देख कर ऐसा लगता है ये पहचान के हैं, वो पहचान। पापा की भी बहुत याद आती है, हम लोग कहीं भी निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं से एक्टिवा चलाते हुए भी दिख जाएंगे, क्योंकि वो अक्सर अपने एक्टिवा में घूमा करते थे। और कभी भी हम लोग कहीं निकलते थे तो ऐसा होता था कि कुछ सड़कों पर हम लोग इकट्ठा हो जाते थे, मतलब वो कहीं से आ रहे हैं, हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो अभी भी कहीं निकलते तो ऐसा लगता है कहीं से दिख जाएंगे आते हुए, फिर सभी लोगों के बीच में भीड़ में ऐसा लगता है उनका चेहरा मैं ढूंढती रहती हूँ। तो मुझे लगता है पापा की जो यादें हैं उनसे तो मैं कभी दूर नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि जगह भी वैसी है और मेरा मन भी ऐसा है कि सब चीज़ें मैं भूल जाऊँ, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लूँ, लेकिन फिर भी उनकी याद मुझे आज भी बहुत आती है। और एक बार ऐसा लगता है कि बस कहीं से दिख जाए एक बार तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो पेरेंट्स का होना और उसके बाद उनको इस तरीके से खोने का दर्द वही समझता है जिन्होंने खोया होता है, तो बस वही लगते रहता है मुझे। शायद अभी मेरी जितनी भी फ्रेंड्स है, कुछ फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा हुआ, उनके फादर गए तो उन्होंने मुझसे बात की कि आरती तुम जैसी चीज़ें शेयर करते हो वैसे हम भी फील करते हैं, हमको भी ऐसा लगते रहता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी फीलिंग हर एक बेटी को आती है अपने फादर के लिए, जब वो ससुराल जाती है और वापस जब कभी मायके आती है और उनको उसके पापा नहीं दिखते हैं तो बड़ा ही एक खालीपन सा लगता है। मेरी मम्मी ने उनकी फ़ोटो भी जो भगवान वाला रूम है उसमें साइड में रखी हुई है, क्योंकि अगर वो हॉल में रखेंगे तो मम्मी को पता है कि बार बार देख करके वो एक हो ही जाता है, रोना आ जाता है या बहुत बार बार ऐसा फील होता है कि नहीं है पापा नहीं है। तो उन्होंने इसी तरीके से फ़ोटो भी रखी है कि हम जाके सिर्फ दर्शन करते हैं उनसे, थोड़ी देर के उनकी फ़ोटो को प्रणाम करते हैं और उसके बाद फिर अपनी रूटीन लाइफ में रहते हैं। तो ये भी एक जो है मेरी मम्मी की सोच है कि भाई, मेरी मम्मी आज भी सोचती है कि मेरे बच्चे हमेशा इस तरीके से खुश रहे तो हमको, हम ज़्यादा दुखी ना हो। जबकि मेरी सिस्टर का भी आप लोगों को पता है जैसा हुआ, मेरी मम्मी वो हम लोग किस तरीके से खुश रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर सके उसी पर फोकस करती है। अब जैसे कल सप्तमी है, हमारे में ठंडा खाते हैं, तो आज सुबह से वो सब चीज़ें बनाने में लग गई है। कल एक दिन हम चूल्हा नहीं जलाते हैं, मतलब गैस ऑन नहीं होगा कल, कल सारा दिन हमें ठंडा खाना होगा। तो एक दिन पहले ही सारी तैयारी करनी होती है, तो जैसे आलू की सूखी भाजी, सूखी भाजी को बोलते हैं हम लोग, आलू की सब्जी उसको सूखी भाजी बोलते हैं, वो बना लेगी, थेपला बना लेगी, कुछ भाकरी बना लेगी, फिर उसके बाद में कुछ पुलाव वगैरह बना लेगी, ताकि कल सारा दिन हमें कुछ बनाना ना पड़े। तो जो लोग भी अपने घर से दूर हैं या फिर जिनका मायका बहुत दूर है, बहुत सालों बाद मायके के विजिट करते हैं, तो उनको कैसी फीलिंग आती है वो मैं बहुत अच्छे से अब समझ पा रही हूँ। तो वही आपसे शेयर किया, आप लोग भी इसी तरीके से फील करते हैं जब कभी अपने घर जाते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगी यहीं पर, अगले हफ्ते फिर से एक अच्छे से कोई इसी तरीके की वीडियो को लेकर आऊँगी जिसमें कि मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकूँ। आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर मिलती हूँ नए से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय बाय।